Hey friend, welcome back to my channel. Please do like, share, subscribe करना बिल्कुल ना भूलना. ऐसे ही latest update video जानने के लिए मेरे channel को click करो, subscribe करो, जिससे आपको ऐसे ही new update मिलते रहे और new interesting drama series आप सबको मिलते रहे. तो चलो start करते हैं video. Don't skip my video. एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा फौजिया के साथ आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की पूरी कोशिश करता है. रीज़न ये होता है फ्रेंड कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन यहाँ जिया बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं टायर्ड हूँ, मुझे नहीं करना. लेकिन फू बोलता सब तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चलेगा और यहाँ पे वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है. अब बेचारी जिया कर भी क्या सकती है, जहाँ फू बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मुझसे हेट है ना. ठीक है, चलो ये रहा डिवोर्स पेपर जो मैंने साइन कर दिया, और उसके मुंह पे मार देता है कि इसको ले लो और साइन कर देना, काम क्लियर हो जाएगा हम दोनों का. यहाँ पे वो बोलती है इट्स बिकॉज कि लू यान ने वो फ्लड वाली बात क्या लीक थी जिसकी वजह से तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो, क्योंकि लगता है फू को किजिया का लू यान के साथ अफेयर था. यहाँ पे फ्लर्टिंग मैसेज और कॉज थे जिसकी वजह से उसका शक यकीन में बदल जाता है. यहाँ पे जिया कहती है फू को तुम अपनी वाइफ को ऐसा कैसे कर सकते हो, कितने गलत हो तुम, तुम्हें तो सब कुछ सच पता है. लेकिन फू उसकी बात पे यकीन नहीं करता है. यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ. क्यों, सही कहा ना, और वैसे भी तुम तो बाहर 2 साल एब्रॉयड में रही हो लू यान के साथ, तो तुम्हारा क्या गारंटी, हो सकता है तुम्हारा उसके साथ अफेयर था और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है. मुझे वैसी लड़की के साथ नहीं रहना जिसका हर लड़के के साथ अफेयर चलता हो. यहाँ पे कहती है उस वक्त ख्याल नहीं आया जब तुम मेरे साथ स्लीप कर रहे थे, तो कहता है तुम उसी के लायक हो, तुम्हें बस यूज़ करना था मैंने और जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया. यहाँ पे जिया बोलती है तुम अपनी वाइफ के लिए इतना डर्टी वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो, शायद तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया है, अब तुम अपना समझ लो, अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ, जितना जल्दी हो साइन कर देना. यहाँ पे बेचारी जिया फूट फूट के रोने लगती है कि फू अपना पूरा सडनली चेंज ही कर दिया सब कुछ. यहाँ पे कहता है बहुत ही अच्छा तुमने मेरे साथ किया, बहुत ही अच्छा, मुझे पता है. ठीक है, तो जब तुम ये चाहते हो तो मैं भी तुमसे डिवोर्स लेना चाहूँगी. तभी वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा कफ होता है, जहाँ जिया को मुंह से ब्लड आने लगता है उसकी कोल्ड की वजह से, उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी एंड देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कफ की वजह से ब्लीडिंग होती है. तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे लगता है कहीं कुछ रॉन्ग ना हो जाए उसके साथ. तो वो निकल पड़ती है डॉक्टर के पास, जहाँ डॉक्टर जो है फ्रेंड वो बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड है और आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े नहीं जिस वजह से आपको गुड हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई होप कि आप मेरी बात समझ रही हो. तो यहाँ पे बोलती है जिया हाँ डॉक्टर. यहाँ पे फ्रेंड दिखाया जाएगा सियान को, जहाँ सियान और फू का अफेयर था, जहाँ फू ये बात को फ्रेंड हाइड करके रखा हुआ है जिया से, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड की वजह से कफ करने लगती है. तो यहाँ पे कहता है ये नौटंकी यहाँ बंद करो. यहाँ पे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ, जहाँ ये बात सियान सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाती है कि ये इसके बच्चे की माँ कैसे बनने वाली है. यहाँ पे सियान फू को बोलती है, फू कहता है डोंट वरी डियर मैं संभाल लूँगा. यहाँ पे कहती है क्या संभाल लोगे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ. तभी वो उसे स्लैप मारता और कहता है ये बच्चा लू यान का, क्योंकि 2 साल तुम उसके साथ रह के आई हो, तो ये बच्चा मेरा नहीं उसका है, ये बात क्या तुम भूल गई. यहाँ पे वो बोलती है बच्चा तुम्हारा है, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो डॉक्टर के पास चलो, चलो टेस्ट ले लेते हैं. जहाँ फू साफ इनकार कर देता है जिया से कि वो बेबी उसका नहीं है, और यहाँ पर नाइफ होता है, नाइफ लेता है और कहता है अगर इतना है प्रॉब्लम तो प्लीज़ इसको लो और ख़ुद मर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मारूँ, इसलिए तुम खुद मर जाओगी तो शायद मुझे आराम होगा अपनी आगे की लाइफ जीने में. यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें हो क्या गया, तुम एक एविल बन चुके हो. यहाँ पे वो बोलता है नहीं मैं एविल नहीं हूँ, एविल तुम हो और ये बच्चा भी तुम्हारा है, मेरा बच्चा है तो मैं इस बच्चे को अभी कभी मार दूँ, तो इससे बेहतर है कि तुम ही अपने बच्चे को मार दो. अगर तुम्हें लू यान के साथ रहना है तो तुम उसके साथ रह सकती हो मुझे डिवोर्स देके.
इधर सियान तो है बहुत खुश हो रही होती है, तभी यहाँ पे सियान एक गेम खेलती है और कहती है, नहीं नहीं फू ऐसा मत करो, ये बहुत गलत कर रहे हो सिस्टर जिया के साथ, ऐसा मत करो, छोड़ दो तुम उसे। यहाँ पे फ्रेंड जिया जो है वो बेचारी बहुत लव करती थी अपने हस्बैंड से, फू भी करता था, लेकिन फ्रेंड फू जो है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर के साथ बचपन में रहता था, जहाँ जिया के पेरेंट्स ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को मार दिया था, जिसके वजह से उसे बाहर रहना पड़ा अनाथ आश्रम में। अपनी पूरी ज़िंदगी जो फ्रेंड है बिना पेरेंट्स के गुजरा, जिस वजह से जिया से उसे हेट करता है। और यहाँ पे ये सब बात जिया को नहीं पता है कि उसके पेरेंट्स ऐसा कभी कर भी सकते हैं। आगे क्या होगा फ्रेंड, इन दोनों की लाइफ किस मोड़ पे लेके जाएगी, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।